इसलिए करोड़ों ज्योतिर्लिंगों की महिमा है, उसके बहुत सारे उपलिंग भी माने जाते हैं। तो कभी अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चन दर्शन करें, उपलिंगों की पूजा अर्चन दर्शन करें, और बहुत सारे स्वयंभू शिवलिंगी तो कोई गिनती कर ही नहीं सकता, संख्या न विद्यते। इतने भगवान महादेव के स्वयंभू शिवलिंग हैं, और स्थापित शिवलिंग तो गांव गांव में, शहर शहर में हम सभी जानते हैं। कोई शहर ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहां भगवान महादेव का शिवलिंग नहीं। हर गांव में छोटा सा नगर हो तो भी वहां भगवान महादेव का शिवालय जरूर आपको मिलेगा। लेकिन शिवालय नहीं है तो कहीं वट वृक्ष के नीचे, कहीं कोई पिपल वृक्ष के नीचे भगवान महादेव जी विराजमान है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हैं कि जी जहाँ शिवालय नहीं है लेकिन वैसे भगवान महादेव वहाँ विराजते हैं। ऐसे बहुत सारे महादेव के स्थान हैं, ऐसे बहुत सारे नियम भी हैं। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर आप कर सकते हैं, उपलिंग की पूजा भी कोई दिशा में बैठकर कर सकते हैं, ज्योतिर्लिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं, परंतु जो स्थापित शिवलिंग है उसकी पूजा दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर दृष्टि रखकर श्रेष्ठ माना जाता है। और दिशा भेद आपके समझ में न रहे तो जिस तरफ जलधारी बहे तो उसके विरुद्ध दिशा में बैठकर आपकी दृष्टि जलधारा की ओर रहे, वैसे भगवान महादेव का पूजन आप कर सकते हैं। और भगवान महादेव की पूजा करने के लिए हम जब शिवालय में जाते हैं तब पहले पवित्रकरण बहुत आवश्यक है, और जो कुछ आप ले जाते हैं सब कुछ लिंग और पीठ से दूर रखना चाहिए। फल, फुंगी फल, श्रीफल कुछ भी हो, भगवान महादेव के शिवलिंग पर और पीठ पर चढ़ाने का कोई विधान नहीं है। लेकिन कहीं कहीं शिवालयों में ऐसा हम देखते हैं, दक्षिण भारत में भी भगवान महादेव के बहुत सारे मिष्ठानों से पूजा करते हैं तो पीठ पर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। हाँ, यह कोई परंपरा होगी, लेकिन वास्तव में देखें तो जो कुछ आप ले जा रहे हैं ये सब लिंग और पीठ से रखेंगे तो ठीक रहे, दूर रखें तो ठीक रहे, लेकिन लिंग और पीठ को जो स्पर्श हो गया वो कोई मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा भाव व्यास भगवान ने व्यक्त किया है। लिंग और पीठ को स्पर्श होने के बाद कोई मनुष्य उसका ग्रहण नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। लेकिन उनके लिए भी विधान कर दिया कि लिंग और पीठ को जो धन धान्य खाद्य पदार्थ कोई स्पर्श हो गया तो ये लेकर शालिग्राम शिला संगात सर्वे आते पवित्रता, इसे धन धान्य और फल भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद कोई भी मनुष्य ये ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। ऐसी एक महिमा है, शिवालय के परिक्रमा की भी महिमा है, शिवालय को ध्वजार्पण करने की महिमा है, शिवालय के शिखर दर्शन की महिमा है, और ध्वजा दर्शन की भी महिमा है। भगवान महादेव को प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम की भी महिमा है, और शिवालय में जाकर मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ करने की भी महिमा है। जितना अवसर मिले, जितना समय मिले, इतने शिवालय में रहकर मौन रहकर भगवान महादेव का ध्यान करें। और वास्तव में देखें तो शिवलिंग पूजा का प्रतीक जरूर है, पूजा से पहले शिवलिंग एक ध्यान का प्रतीक है। अपने विचारों को स्थान पर केंद्रित करने के लिए हम ऋषि मुनियों ने सुंदर ये परंपरा की है, जिनको हम निराकार का प्रतीक शिवलिंग कहते हैं। तो एक चरलिंग की भी महिमा है, अंग के अवयव को भी लिंग स्वरूप माना जाता है, बिंदु शिवलिंग, कुबेर यंत्र, गणेश यंत्र, श्री यंत्र, बहुत सारे यंत्रों के परंपरा है, इनमें छोटी सी बिंदी की जाती है, उसको बिंदु शिवलिंग कहा जाता है। और पाषाण शिवलिंग की भी महिमा है, पत्थर में से जो शिल्पकार निर्माण करते हैं उसको पाषाण शिवलिंग कहते हैं। कोई भी नदी में कोई पत्थर बहता बहता जा रहा है और लिंग आकार बन जाएगा तो उसको बाणलिंग कहा जाता है। कोई भी सरिता का पाषाण हो, लेकिन इसमें सप्तगंगाओं के जल में जो शिवलिंग निर्माण रहेगा वो श्रेष्ठ माना है। लेकिन इस सप्तगंगाओं में से भी माता नर्मदा के जल में जो शिवलिंग निर्माण हो गए उसकी बहुत सारी श्रेष्ठता है। सभी शिवलिंग को कोई प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, लेकिन
नर्मदा के जल में से लाए हो शिवलिंग, उसकी कोई भी प्रतिष्ठा आप विधि न कर सके, लेकिन वो सभी शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। हम बोलते हैं कि नर्मदा के जितने कंकर हैं ये सभी शंकर हैं, ऐसा हम बोलते रहते हैं। ये शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है, नर्मदा के जल प्रवाह में से लाए हुए शिवलिंग, उसकी मान्यता बहुत कही है। नर्मदेश्वर महादेव भी कह सकते हैं और बाण शिवलिंग भी कह सकते हैं। और एक है स्फटिक शिवलिंग जो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया था, और एक है सुगंधी शिवलिंग, चंदन घिसकर अष्टगंध मिलाकर सुंदर एक चंदन में से शिवलिंग निर्माण करे, उसकी भी महिमा है। पुष्पों में से सुंदर एक शिवलिंग निर्माण करो, उसको पुष्पलिंग कहा जाता है। धनधान्य के आटे में से सुंदर शिवलिंग निर्माण कर सकते हैं, उसको अवधुमलिंग कहते हैं। मरकुरी पारा में कोई वस्तु मिश्रित करके उसको बांधते हैं, उसको पारद शिवलिंग कहते हैं। और सही पारद का अर्थ है कोई भी सुवर्ण उसको लग गया तो सुवर्ण का कलर बदल सकता है, सुवर्ण को खींच लेते हैं। जो सुवर्ण जो पीला रंग का है तो सुवर्ण व्हाइट हो जाएगा, जो सही जो पारदलिंग है वो भक्षण कर लेता है सुवर्ण का, तो उसको पारदलिंग कहते हैं। और पारदलिंग की पूजा के लिए सबकी महिमा नहीं है, योगी महापुरुषों के लिए है, क्योंकि पारा एक प्रकार का पॉइजन है, एक प्रकार का जहर है, थोड़ा सा भी पेट में गया तो बहुत कुछ डैमेज कर सकता है। इसलिए कभी उसको स्नान किया हुआ जल, कभी कोई पिपल वृक्ष, वट वृक्ष, कोई भी वृक्ष और तुलसी वृक्ष के उसके मूल में नहीं अर्पण करना चाहिए। और वास्तव में देखे तो अबिल गुलाल वाला भी जो जल है सभी केमिकल है, ये भी कोई वृक्ष के मूल में नहीं अर्पण करना चाहिए, क्योंकि अंत में तो देखे तो अबिल गुलाल कुमकुम सब कुछ केमिकल है, इसलिए वृक्ष को ये नुकसान करते हैं। और महादेव को चढ़ाया हुआ दूध भी ये भी कोई वृक्ष के मूल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सभी वृक्ष के लिए ये जो दूध है वो जहर बराबर है, ये वृक्ष सूख जाएगा। हमने एक महात्मा के मुख से कथा सुनी थी, एक हमारे महात्मा जी तो राजकोट के अंदर वो अनुष्ठान कर रहे थे एक महीने के लिए पवित्र श्रावण मास में, तो रोज महादेव को अपने जो साथ में रखते शिवलिंग उसका पूजन करते थे और दूध अर्पण करते रहते थे। और महादेव को जो अर्पण किया दूध, सभी दूध रोज बिल वृक्ष के खामने में वहां रख देते थे, और एक मास पूरा हुआ और पूरा बिल वृक्ष ये सूख गया। इसलिए कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगरबत्ती कभी बंद घर में भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती का धुआं हमें नुकसान भी कर सकता है। आजकल तो अगरबत्ती सुंदर बनाई जाती है क्योंकि बहुत सारे केमिकल रहित भी अगरबत्ती मिलती है, क्योंकि बहुत सारे सुगंध केमिकलों में से निर्माण करते हैं। इसलिए जहाँ बच्चे सोए हैं, जिनको श्वास लेने की तकलीफ है, वे वृद्ध व्यक्ति जहाँ सोया है वहाँ बंद घर में बारी खिड़की सब कुछ बंद है, तो वहाँ धुआं हमारे फेफड़े में जल चला जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। बीड़ी पीने से भी नुकसान तो रहेगा फेफड़े को, बीड़ी पीने वालों को कम नुकसान रहता है, लेकिन जो बीड़ी पी रहा है उसके पांच जो खड़ा है उसको ज़्यादा नुकसान रहता है, क्योंकि बीड़ी पी रहा है उसको सीधा धुआं मिल रहा है, और पास में जो खड़ा है जो पी रहा है उसके फेफड़े में से बाहर निकला हुआ उसका झूठा धुआं हमारे नाक में जा रहा है। इसलिए बीड़ी पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बीड़ी पी रहा उसके पास भी कभी खड़ा नहीं रहना चाहिए, ये हमको बहुत नुकसान करते हैं। तो पारद शिवलिंग की अलग महिमा है। एक बालू का शिवलिंग जो राम जी ने पूजन किया था, रेत में से बनाया हुआ सुंदर शिवलिंग, उसको बालू का शिवलिंग कहा जाता है। एक रसलिंग की महिमा है, सुवर्ण में से जो शिवलिंग निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु जी ने कुबेर जी को सुवर्ण लिंग दिया तो उसकी भी एक विशेष महिमा। रजत लिंग की महिमा, चांदी में से शिवलिंग निर्माण होते हैं, ताम्रलिंग, रजतलिंग और बहुत सारे अलग अलग दीपलिंग, दीप में से जो शिवलिंग निर्माण करते हैं, दीप का जो ज्योत है उसको भी शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिलिंग की महिमा है। और चलित शिवलिंग, आपके घर में जो आप रखते हैं उसको चलित शिवलिंग कहते हैं। घर में जो बहुत बड़ा शिवलिंग है तो उसका पूजन नित्य करें, अंगुष्ठ का नाप का शिवलिंग है तो कभी पूजन ना कर चलेगा। इसलिए घर में जो शिवलिंग रखते हैं अंगुष्ठ के बराबर हम रखते हैं, बड़ा हो तो जरूर पूजा कर सकते हैं, और आप ना कर सके तो दूसरों के पास, और कभी अपुंज रह जाए तो दोष नहीं है।
एक आत्मलिंग है, मेरी आत्मा को भी शिवलिंग का प्रतीक मानते हैं, आत्मलिंग जिनको कहा है। पार्थिव शिवलिंग की भी महिमा, जो मिट्टी में से हम शिवलिंग निर्माण करते हैं, बहुत सारे विधि विधान पार्थेश्वर महादेव के पास शिव महापड़ ग्रंथ में। विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके आप 11 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण आचार्य को आमंत्रित करके विधिवत पार्थेश्वर महादेव की पूजा की एक महिमा भी है। कितने शिवलिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है, उसकी भी महिमा शिव महापड़ ग्रंथ में है। तो कभी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा आप स्वयं भी कर सकते हैं और आचार्यों के पास भी पार्थेश्वर महादेव का पूजन करा सकते हैं। कभी कोई घर में बेटे का विवाह, बेटी का विवाह हो, हमारा प्रसंग निर्विघ्न पूर्ण हो, और कहीं कोई और प्रसंग है और कोई तिथि समय अवसर है, तो जरूर आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन और महाशिवरात्रि के दिन और अद्र नक्षत्र माक्षर मास, जिस दिन भगवान महादेव जी पहले ज्योति स्वरूप में प्रकट रहे, इसलिए ये पर्व को ज्योति पर्व भी कहा जाता है। हमारे यहाँ तो कोई कम परंपरा है, लेकिन दक्षिण भारत में हम जाते हैं तब ये लोग 5 दिन के लिए लगातार 5 दिन पहले अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करने लग, जैसे हम दीपावली में जैसे दीपमाला प्रकट करते हैं, वैसे ये ज्योत पर्व आता है तब आद्र नक्षत्र माक्षर मास में, वो 5 दिन पहले से अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करने का प्रारंभ कर देते हैं। तो कभी देखना, याद भी रखना, माक्षर मास आद्र नक्षत्र पड़ता है तब आपके घर में भी दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं और आप शिवालय में जाकर भी दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं। ये दीप पर्व है, भगवान महादेव जी स्वयं ज्योति स्वरूप में पहले ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुए थे, बाद में इनमें से एक शिवलिंग प्रकट हुआ, इसलिए शिवलिंग के आगे हम ज्योति क्यों लगाते हैं, इसलिए तो लगाते हैं ना, ज्योति में से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए हम शिवलिंग को क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं, दीप में से प्रकट हुआ शिवलिंग। और एक शिवलिंग का नाम है गुरुलिंग, हमारे जो सदगुरु है जिनके पास से हमको मार्गदर्शन मिल रहा है और शिव की ओर हमारा प्रेम उठ रहा है, तो हमारा जो सदगुरु है उसके बारे में भी शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, जिनको गुरुलिंग कहते हैं।